अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ भुनी हुई चॉप्स मसाले वाली। तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने चॉप्स ली हैं, लैम चॉप्स मैं यूज़ कर रही हूँ। इनको मैंने ऑलरेडी 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करके रख लिया है। 1.5 गिलास पानी में मैंने इसको बॉईल किया, नमक डाल के और गार्लिक डाल के। 4 से 5 क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए थे, और उसके साथ मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। इसको मैंने हाफ डन किया है, फुली कुक नहीं किया है, बाकी इसको हम मसाले के अंदर पकाएंगे। यहाँ पे जो मेरे पास जो इसके ड्राई मसाले हैं उसमें है मेरे पास नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सिनेमन स्टिक है, ये मेरे पास जो है ज़ीरा है, और लौंग है 4 से 5 अदद, काली बड़ी इलायची है, एंड पे जाएगी हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और ये है योगर्ट, 3 से 4 टेबल स्पून है ये, और इसके अंदर मैंने डाला है गरम मसाला और कुछ ब्लैक पेपर साबुत वाली। इसको हम मिक्स करके तो फिर एंड में इसको शामिल करेंगे। यहाँ से मैंने जो है ऑलरेडी प्याज जो है वो ब्राउन करके रख ली है, टमाटर जाएगा इसके अंदर, और ये है इसकी यखनी जिसके अंदर हमने इसको बॉयल किया है 3-4 मिनट। ऑयल में इसको बनाएंगे, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन, फ्लेम कर लेंगे ऑन। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज ब्राउन की है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 आध मिनट इसको भून लेंगे इसके साथ। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है ये भुनी हुई चॉप्स। इसी रेसिपी को आप गोश्त के साथ या चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। असल जायका इसके मसाले का होता है, जो इसका प्याज और टमाटर के साथ बनाते हैं। इसके अंदर जीरा ऐड करूंगी, सिनेमन स्टिक, लौंग और काली बड़ी इलायची। जीरे की अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। जीरे की अच्छी सी खुशबू आ गई है, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये हाफ टन की हुई चॉप्स। चल जाएंगे सारे मसाले, टमाटर, इसमें अलग से पानी का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ डन है, और इसकी यखनी का पानी जितना इस्तेमाल होगा इसके अंदर उतना हम डालेंगे।
टमाटर इसके अंदर गल चुके हुए हैं, अब मैं इसके अंदर यखनी का पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा और इसको भी ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 5-6 मिनट। उसके बाद इसको चेक करते हैं। इसको 5 से 6 मिनट हो चुके हुए हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। ऑयल ऊपर नजर आने लगा है और यखनी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी हुई है, मसाले भी सारे। अब इसकी फाइनल जो भुनाई है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, जो हमारी प्याज ब्राउन की हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये योगर्ट गरम मसाले के साथ इसको भी इसके साथ ही ऐड करेंगे और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम कर देंगे थोड़ा हाई पे। देखिए कितना थिक है इसका मसाला तैयार हो गया। आपने इसको इतना भूनना है कि इसके ऊपर ऑयल आ जाए और अच्छे से मसाला इसका तैयार हो जाए। उसके बाद ये रेडी है। मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर अच्छा सा ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है और ये चॉप्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हुई है। अब मैं स्टोव कर दूंगी बंद बिल्कुल और एंड पे इसके ऊपर डाल देंगे गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया, और मैं सर्विंग के लिए निकाल के आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने मसाला चॉप्स को सर्विंग के लिए निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी तैयार होती हैं और इजी बन जाने वाली हैं, तो आप इसको रोटी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सैलड के साथ इसको सर्व करें। एंड आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी एंड आप लोग ट्राई करेंगे ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।